नमस्कार, मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सफर में मैं हूं आपके साथ माधुरी। आओ चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। थाना रिफाइनरी क्षेत्र स्थित ओंकारेश्वर कॉलोनी के एक मकान में आग लग गई। इस आग से दो मासूम बच्चियों समेत चार लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें आगरा रेफर कर दिया गया है। गोवर्धन के गांव हरिपुरा में जलभराव के चलते जहां किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, वहीं बढ़ते जल स्तर के कारण ग्रामीणों का घर से निकलना भी दुर्भर हो गया है। पिछले 5 साल से पूर्व प्रधान द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर एक ग्रामीण संघर्षरत है, लेकिन उसे आज तक न्याय नहीं मिला। आखिर कौन है ये ग्रामीण, जरा आप भी देखिए। जेसीआई काना के बैनर तले पॉलिथिन को लेकर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने वृंदावन पॉलिथिन मुक्त नगर का संदेश दिया है। शहर के अंग्रेजी और देसी ठेकों के आसपास शराबियों का आतंक अब आम बात हो गई है। ये शराबी या तो राह चलते लोगों को गालियां देते नजर आते हैं, या फिर सड़कों पर ही लोट मारते दिखाई देते हैं। थाना सुरी क्षेत्र में एक के बाद एक चोरी की घटनाओं से लोगों में बेहतर माहौल बढ़ता ही जा रहा है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।